मैं भूपेंद्र कुमार, लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर और सिविल फर्स्ट ईयर में चलने वाले सब्जेक्ट BMCE और BEEE, यानी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग और बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें हम बात करेंगे मैकेनिकल वाले पोर्शन की, क्योंकि ये सब्जेक्ट दो सब्जेक्टों से मिलके बना हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वो मैकेनिकल और सिविल से बना है, और सिविल की बात करें तो वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से बना है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे मशीन कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मशीन की, कि मशीन क्या है। मशीन बेसिकली एक टाइप की एनर्जी को लेके अपने पार्ट्स के थ्रू एक यूजफुल वर्क जो प्रदान करे, वो मशीन है। सिंपली हम बात करें, मशीन हमारे एफर्ट को या ह्यूमन एफर्ट को कम करती है। अब मशीन कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटा कंपोनेंट है मशीन का, वो क्या होता है, सिंपली नट या बोल्ट होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसी में हम आपके सिलेबस की बात करें BMCE या BMEE में, तो उसमें आपके हैं पिन्स, कॉटर। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिन्स की। पिन क्या है? पिन सिंपल एक सर्कुलर पार्ट होता है जो बेसिकली दो पार्ट्स को उनके रिलेटिव मोशन रोकने के लिए यूज किया जाता है। पिन एक तरीके का सेमी परमानेंट टाइप का जोड़ बनाता है दो पार्ट्स में, मशीन पार्ट में, जिससे कि उसमें आपस में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो सके। अब पिन की बात करें, पिन हमारी बेसिकली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है क्विक रिलीज पिन और सेकंड है सेमी परमानेंट पिन। क्विक रिलीज पिन और सेमी परमानेंट पिन, सेमी परमानेंट पिन अगेन फिर दो टाइप की होती है, मशीन पिन और रेडियल लॉकिंग पिन। अब आगे हम देखते हैं मशीन पिन की अगर हम बात करें तो मशीन पिन हमारी चार टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट है डावल पिन, सेकंड है टेपर पिन, थर्ड है क्लेविस पिन और फोर्थ है स्प्लिट पिन। वही रेडियल लॉकिंग पिन होती है ग्रूव पिन और स्प्रिंग पिन। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं क्विक रिलीज पिन की। क्विक रिलीज पिन क्या है? जैसे कि ये फिगर में हम देख रहे हैं, ये सिंपली एक सर्कुलर रॉड टाइप की होती है और उस पे हेड बना होता है। इस हेड में हम देखते हैं एक छल्ले टाइप का लगा होता है। इस छल्ले की वजह से मदद से हम इसको इजीली लगा सकते हैं और जब हमें रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए इस पिन का नाम पड़ा है क्विक रिलीज पिन, क्योंकि इस छल्ले की सहायता से हम इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं जब भी हमें पिन को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी परमानेंट स्पिन की। तो सेमी परमानेंट स्पिन का मतलब है एक तरीके का अर्धस्थायी जोड़ बनाना, जो कि फोर्सफुली जोड़ बनाया जाएगा और जब हमें उसको अलग करना हो तो फोर्स लगाकर ही हम उन पार्ट्स को पिन के थ्रू अलग कर सकते हैं, पिन को रिलीज करके। ठीक है, मशीन पिन तथा रेडियल पिन इसी का प्रकार है। तो अब हम मशीन पिन की बात करते हैं, जिसमें मशीन पिन में नंबर फर्स्ट थी हमारी डबल पिन। डबल पिन देख रहे हैं हम फिगर में कि अगर हमारे कोई दो पार्ट है, सपोज एक ये पार्ट है दूसरा पार्ट ये है, इन दोनों के बीच में एक डबल पिन लगाई गई है। डबल पिन कुछ नहीं, एक सिंपल सर्कुलर टाइप की पिन होती है जो कि बेसिकली यूज की जाती है कि इस और इस या दो पार्ट है उनके बीच आपस में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो सके और एक तरीके से एक्यूरेट अलाइनमेंट या पूर्ण संरेखण, यानी वो आपस में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे टाइट हो जाए दोनों पार्ट, उस इस टाइप की कंडीशन के लिए हम लोग डबल स्पिन का यूज करते हैं। सेकंड है हमारी टेपर पिन। टेपर पिन बेसिकली मशीन कंपोनेंट या शाफ्ट वगैरह में यूज करते हैं। शाफ्ट के ऊपर अगर कुछ भी लगाना हो, जैसे हब लगाना है या गियर लगाना है, तो कहीं कहीं पे हम टेपर पिन का यूज करते हैं। टेपर पिन सिंपली क्या होती है? टेपर पिन का नाम टेपर पिन इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी शेप की वजह से। इसमें नीचे वाला जो बॉटम होता है उसका एरिया कम होता है कंपेयर टू ऊपर वाले बॉटम, यानी आप ये कह सकते हैं कि नीचे वाला एरिया कम है ऊपर वाला एरिया ज्यादा है। और इसी टाइप का हमारा ग्रूव या होल बना हुआ होता है शाफ्ट में और वहां हम इस टेपर पिन को टाइटली फिट कर देते हैं। उसके बाद है हमारी क्लेविस पिन। क्लेविस पिन सिंपली बेलनाकार आकृति की होती है और चेंज डिफरेंस क्या होता है इसमें डबल में और इसमें, डबल पिन में आपको हेड नहीं होता है, इसमें एक हेड बना होता है इसके ऊपर।
ठीक है, और नीचे एक होल रहता है, अगर आपको जरूरत पड़े तो जाकि पिन निकल ना जाए, इसलिए उस होल में हम दूसरी कोई एक पतली सी रॉड टाइप की या सिंपली एक दूसरी पिन लगा देते हैं। इसके बाद है हमारी कॉटर या स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन आप फिगर में देख रहे हैं, ये पिन सिंपली एक पतली छल्ले की सी बनी होती है और उसको एक तरीके से ए इस टाइप से हम यू शेप में मोड़ के बनाते हैं। स्प्लिट पिन यूज की जाती है जनरली नट बोल्ट के केस में। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपने कभी अगर आपके फैन का बोल्ट, जिससे फैन हम टाइट करते हैं रूफ पे, उसमें एक नट में बोल्ट में छेद होता है, उसमें एक क्लेविस पिन लगाई जाती है कि इन केस जब पंखा चलते चलते कभी उसका नट लूज होने लगे तो ऐसा ना हो कि वो नट लूज होके पूरा बाहर हो जाए। वो क्या होता है, वो इस क्लेविस पिन की, सॉरी स्प्लिट पिन की वजह से वो नट आके वहां रुक जाता है। तो बेसिकली जो स्प्लिट पिन है ये यूज करते हैं हम नट बोल्ट के केस में, जिससे कि नट हमारा खुल के बाहर ना हो जाए और कोई दुर्घटना घटित ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियल लॉकिंग पिन की। रेडियल लॉकिंग पिन का मतलब है कि ये पिने अपनी विशिष्ट आकृति के कारण जो हमारा होल होता है उसमें टाइटली फिट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रूव पिन। तो पहले हम बात करते हैं ग्रूव पिन की। ग्रूव पिन में जैसे आपने फिगर में देख रहे हैं कि ये इसमें ग्रूव कटे हुए होते हैं, ये चार। ये करता क्या है, ये यहाँ पे मटेरियल नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी होल में इसको टाइटली फिट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ये इन एरिया में आके इसको टाइटली फिट कर देता है। तो इस खांचे की बने की वजह से ही इन पिनों को नाम हमने ग्रूव पिन दिया है। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जिस मटेरियल का बना होता है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन मटेरियल होता है, यानी जैसे ही आप उस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो डिफॉर्म होके इस एरिया को फिलअप करके पिन को टाइट कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्रिंग पिन की। स्प्रिंग पिन रेडियल संपीड़ित होकर या स्प्रिंग क्रिया द्वारा छेद की परिधि पर दृढ़ता से लग जाती हैं। जैसे आप स्पायरल देख रहे हैं और एक झर्रीदार ट्यूब देख रहे हैं, सिंपली जैसे आपने एक हमें किसी सिम छोटे छेद में एक पिन को स्पिन को लगाना है, तो हम इसका एग्जांपल है कि आप एक कागज लीजिए, उसके रोल कीजिए और सिंपली एक होल में डाल के छोड़ दीजिए, तो वो पेपर खुलने की वजह से क्या होगा, वो उसमें पूरा टाइट हो जाएगा। सेम यही हमारा स्पायरल पिन का काम होता है, और इसी टाइप से हमारी ये झर्रीदार ट्यूब या स्लॉटेड ट्यूब भी होती है। इसमें ये एरिया कटा हुआ होता है, हम इसको दबा के होल में डाल देते हैं और इसको जब छोड़ देते हैं तो ये पूरे उसमें होल में टाइटली टाइट हो जाती है। इसके बाद बात हम करते हैं कॉटर की। कॉटर और पिन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली कॉटर और पिन में डिफरेंस ये है कि पिन जो है जनरली ज्यादातर सर्कुलर रहती है, लेकिन कॉटर सर्कुलर नहीं रहता है, कॉटर रेक्टेंगुलर रहता है। ठीक है, ये हल्का सा टेपर भी होगा लेकिन हम यहां देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर रहता है, जो इसकी ये साइड है ये टेपर होती हैं, लेकिन ये पूरा क्वार्टर सर्कुलर नहीं होता है। क्वार्टर का बेसिकली यूज हम ज्यादातर शाफ्ट और हब में ही करते हैं, जब हमें शाफ्ट के ऊपर कोई दूसरा पार्ट हब लगाना होता है तब हम क्वार्टर के थ्रू उसको टाइट करके फंसाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है इस चैप्टर में नकल ज्वाइंट। नकल जॉइंट क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये नकल जॉइंट का फिगर है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक तरीके का यू शेप का एक चिमटा टाइप का होता है और दूसरा पार्ट है जिसके बीच में होल होता है और इस चिमटे में भी होल होता है। ठीक है, इसमें नकल जॉइंट में हम ये पिन डाल देते हैं और यहां पे हम स्प्लिट पिन लगा देते हैं छेद में, ताकि ये वाली पिन बाहर ना जाए। इस टाइप का जोड़ आप अक्सर आप अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में देख लेते हैं, जो ट्रैक्टर और ट्रॉली में जो हम जोड़ते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये ट्रॉली का रहता है और ये वाला पोर्शन ट्रैक्टर का रहता है। आपने अक्सर अगर आपने कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो आप आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इन चीजों का, कि जब आप ये करते हैं तो ये एक टाइप की जो पिन होती है उसमें ही वो लगा के हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो ट्रैक्टर ट्रॉली का जोड़ है वो हमारा नकल ज्वाइंट ही होता है। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि मैकेनिकल की चीजें हर तरफ हैं, चारों तरफ मैकेनिकल की चीजें हैं, बस आप अपनी सरसरी निगाहों से देखिए तो आपको पूरा सिलेबस आपके इर्द गिर्द ही मशीनों में मिल जाएगा। तो
तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही बात करते हैं, और अगर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो इसमें, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।